आज बनाते हैं भिंडी की रेसिपी। नॉर्मली हम लोग भिंडी बहुत तरीके से बनाते हैं, लेकिन कभी इस तरीके से भी आप बना के ट्राई करना, बहुत अच्छी और कुरकुरी बनती है। तो पहले क्या करा, भिंडी ले लिए और उस भिंडी के ऊपर से और नीचे का उसका छिलका उतार लिया, और उसे हमें कुछ इस तरीके से लंबा लंबा सा कट करना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत मीडियम ही नहीं होना चाहिए। सो मैंने एक भिंडी के अंदर से दो कट लगाए थे और उसके वापस कट लगा के उसको आधा कर दिया, सो 8 पीसेस बने हैं। और उसी के बाद उसके अंदर मैंने बेसन, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी कोरिएंडर पाउडर, उसी के साथ साथ हम डाल देंगे हल्दी। ये सारी चीज़ों को डाल के उन्हें अच्छी तरह से मिक्स करना। जैसे मैंने मिक्स करा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं उसको पैन पे डालूंगी, बेसन सूखा है तो फिर वो निकल जाएगा, कोई पॉइंट ही नहीं है, और नीचे भी बेसन पड़ा है। सो मैंने सोचा क्यों नहीं थोड़ा सा पानी छिड़क लें, ताकि वो जो नीचे पड़ा हुआ बेसन है वो भी अच्छी तरह से चिपक जाए और वो बेसन भिंडी के अंदर अच्छी तरह से लग जाए। आप ट्राई करना, बहुत सारा पानी एक साथ में मत डालना, थोड़ा जैसे मैंने छिड़का है हाथों पे उसी तरह आप छिड़क सकते हो। अभी यहाँ भी क्या करना है, अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉनस्टिक पैन में से भिंडी आप जब भी डालोगे इसके अंदर वो पलटने में बहुत हेल्प करेगी। जब भी आप भिंडी डालो ना, तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि वो भिंडी का जो फ्लेम है ना वो मीडियम रखना। अगर ज़्यादा फास्ट होगा वो भिंडी जल जाएगी और उसका जो कच्चापन है वो रह जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग उसको एंड रिजल्ट देंगे उसको इतना पकाना नहीं है, क्योंकि भिंडी ऑलरेडी कुक करी हुई होती है। और आप देख सकते हो उसका जो चिपचिपाहटपन होता है ना वो भी चला जाएगा। अगर आप ऐसे सोच रहे होगे दिमाग में कि उसका वो जो चिपचिपाहटपन है वो वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है, जब भी आप फ्राई करोगे बेसन के अंदर वो चला जाएगा। फिर यहाँ पे ऑयल डालना है, उसके अंदर जीरा, मैंने थोड़े से अजवाइन डाले, बहुत अच्छा टेस्ट देती है। फिर थोड़ा सा गार्लिक, उसी के साथ साथ अनियन डाले हैं, मैंने अनियन को कुछ ऐसे स्क्वायर क्यूब में कट करे हैं। और अनियन जैसे डालो उसको है ना बहुत पकाना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट तक ऐसे हल्का सा कच्चे रखने हैं, फिर उसके अंदर आप डाल दो जो भिंडी करी थी वो डाल के। यहाँ पे मैंने उसके ऊपर डाला है आमचूर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। ये मेरी जो रेड चिली है ना वो बहुत तीखी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि अच्छा सा कलर आए। अगर आपके पास तीखी है तो आप देख लेना। अभी यहाँ पे मैंने सॉल्ट भी डाला है, सॉल्ट मैंने पहले भी डाला था, सो उसमें भी ध्यान रखना है कि आपको कितना सॉल्ट डालना है। फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़े देर के लिए आप ढक्कन बंद करके पका सकते हो। मेरे से वो क्लिप मिस हो गई है, सो उसको 2 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके पका लो, ताकि उसके जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से मिक्स अनेक मिल जाए। ये भिंडियाँ ना खाने में बहुत टेस्टी है, एक बार ज़रूर खाना। और मुझे लाइक, शेयर और फॉलो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।